हो गया शुरू। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन डाकला। दोस्तों, पिछले करीब 1 महीने से बहुत सारी ऐसी दुर्घटनाएं घटती जा रही हैं जिनको हम रोक नहीं सकते, और बड़ी अजीब सी स्थिति उत्पन्न हो गई है समाज के अंदर। थोड़े दिन पहले बात करें, डिगांव टुंठा से एक हमारा नौजवान वहां पर गोलियों का शिकार हुआ। उसके बाद गांव रसीना से एक बुरी खबर आई कि एक बच्चा कैंसर से पीड़ित है। उसके बाद 3-4 दिन पहले भी एक बच्चा, कोकर नाम था शायद, और उसके बारे में तो अब तक पता भी नहीं है कि वो कहाँ से था क्या नहीं। और अभी ताजा तरीन जो दुर्घटना घटी रोड एक्सीडेंट में, गांव बस्तड़ी से अशोक पहलवान उर्फ दीनदयाल, जो उनका गोत्र है, वो सड़क दुर्घटना में दुर्घटना का शिकार हुए। दोस्तों, हम हमेशा कोशिश करते हैं कि जो इस तरह के बच्चे हैं, जो अपनी परिवार की स्थिति को अच्छा करने के लिए, संभालने के लिए, अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए बाहर जाते हैं अपना घर बार छोड़ के। और आपको खुद भी पता है कि 40 लाख 50 लाख रुपए की कोई रकम, छोटी रकम नहीं होती कि वो इजीली अवेलेबल और चले गए। इसके लिए कहीं ना कहीं बहुत, किसी को जमीन बेचनी पड़ती है, किसी को कर्जा उठाना पड़ता है, बहुत ऐसी स्थिति है। और उसके बाद ऐसी अगर दुर्घटना घट जाए तो कहीं ना कहीं परिवार के लिए एक बहुत बुरी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। हम ये चाहते हैं कि आप हमेशा की तरह, दोस्तों देखिए घटनाएं बढ़ रही हैं, लेकिन वही बात है कि मदद करने से कहीं ना कहीं भगवान भी आपका साथ देता है। और गांव बस्तड़ी हो गया, गुनियाना हो गया, रसीणा हो गया, जो भी अड़ोस पड़ोस के गांव है, और इसके साथ साथ जो बस्तड़ी के गांव है, इसके जो मौजूद लोग हैं, भाईचारा आपस में, हम ये चाहते हैं कि शुरुआत अपने घर से होनी चाहिए। और एक और बात मुझे बड़ी अच्छी लगी इस गांव के परिवार की, इन्होंने ये फैसला लिया है कि जो बच्चे का पवित्र शरीर है, पार्थिव शरीर है, उसको यहाँ पर ना लाकर वहीं पर, क्योंकि परिवार के या रिश्तेदारी में और लोग भी होंगे, उसका संस्कार वहीं पर किया जाए। दोस्तों, हम मानते हैं कि इमोशंस की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन ये इस तरह का फैसला मुझे लगता है टाइम के हिसाब से ठीक है। आप ज्यादा से ज्यादा इस मामले में परिवार की मदद करें। कुछ गांव के लोग हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि क्या हुआ और बच्चा किस तरह का बच्चा था। जी भाई साहब, आपका क्या कृष्ण, नाम है जी? मेरा कृष्ण पहलवान है जी। अच्छा मेरे चाचा का लड़का था जी अशोक, एक लगभग 1 साल पहले ही गया था जी। 2-3 महीने स्टोर में करे जी। अब उसका वर्क परमिट आ गया था जी। उसके बाद वो भाई दूसरे भाई ने एक और ना गाड़ी ले रखी, भाई मैं लाइसेंस बनवाया कर गाड़ी लगूंगा। तो जी वो लाइसेंस की 7 तारीख मिल रही थी जी, अपॉइंटमेंट होना लाइसेंस की जी। ठीक है। तो उसकी जहां बैठा था नहीं उसी साइड लग कि जहां बैठा था जी उसी साइड लगे जी। तो वहां उसकी मार पर मैसेज आया जी, रात भी एक्सीडेंट हो गया। तो भाई ये दूसरा दूसरे शहर में था, वो गया उसके दोरा चाचे का लड़का। तो सवेरे पता लग गया जी पूरा हो लिया भाई। हाँ जी खिलाड़ी, तो जी मैं भी खिलाड़ी था जी, मेरा चाचा भी था, उसका फादर भी बहुत अच्छा प्लेयर था जी। तो ठीक है। खेलिया जी कई साल मेरे मेरे बाद जी, खेल लिया मैंने जी कई साल खेल लिया। उसके बाद पूरा कोई और रोजगार नहीं, इतनी जमीन नहीं थी जी, अपना वो जो आवे थी उन्हें जमीन 2 किले बेच के गया था जी। अभी 1 साल पहले जी 40-50 लाख रुपये लगा के गया था जी। उसमें ठीक है। क्या है और जी, 2-3 महीने काम कराया। बच्चे के माँ बाप भी नहीं है? नहीं जी, मेरा अंकल था जी, वो 6-5-7 में गुजर गया था जी, 2007 में जी। तो अच्छा हमारी चाची थी जी, वो 3-4 साल बाद वो गुजर गई थी जी। अच्छा तो अब घर में कौन कौन है जी? घर में जी भाई एक गुड़िया है जी, 7-8 साल की, और एक 6 साल का लड़का है जी, एक 4 साल का लड़का है जी। तो आप समाज से, ताकि ये जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका जो सोच के वो गया था भाई, इनका भविष्य बन जाए, तो आप समाज से क्या रिक्वेस्ट करना चाहोगे भाई साहब? मैं सोचती है भाई भविष्य बन जाए, वो भविष्य बनने के बजाय वो बिगड़ गया। तो ठीक है। हम समाज से यही विनती करते हैं भाई, भाई कोई बच्चों की थोड़ी बहुत भी मदद हो जाए।
भाईचारे के उसका भाई थोड़ा बहुत सपोर्ट बच्चे ना मिल जाए इनको, जा कुछ भाई का उसका भी खर्चा है, उड़ा भी खर्चा है संस्कार का, पूरा भी बलता पोस्टमार्टम के बाद उसकी देखेंगे क्या स्थिति रहेगी, भाई यहाँ की बनेगी कि वहां की बनेगी जी। तो ये मतलब परिवार पूरी तरह मतलब बहुत नहीं जा रहा जी फैसले पर, ठीक के बाद ही कुछ निर्णय लेंगे जी। जी, क्या कहना चाहोगे? बस्तली गांव का बेटा अशोक पहलवान जो दिन खेल के माध्यम से अपने गांव का नाम रोशन करता था और जितने भी आसपास के जो युवा खेलते थे से हाथ जोड़कर निवेदन है, प्रार्थना है, विनती है कि वो भाई का सहयोग करे, चाहे वो सहयोग 1 रुपए का हो, 1 रुपए से ज्यादा को, जिसे जितना बने उतना सहयोग करे। कहते हैं कि परिवार की मदद की जाए ताकि जो आगे 3 छोटे छोटे बच्चे हैं उनका भविष्य में सुधार हो सके। क्या कहना चाहोगे जी? मैं तो यही कहना चाहूंगा, मेरे तो समाज से और जो बच्चे बाहर जा रहे हैं जिसकी ज्यादा ज्यादा मदद की जाए, और काफी संघर्ष के बाद ये वहां पहुंचा था। और ये जो बच्चा एक्सपायर है जी, इसमें ये है कि आपको पता है कि घर से पैसे लगा के जाते हैं बच्चे, और ऐसी स्थिति आ गई कि जो नहीं आनी चाहिए थी। तो इस मामले में हमारा समाज बड़ा अच्छा सहयोग करता है, एक दूसरे की मदद भी करता है, वहां भी करता है। तो इस मामले में आप क्या कहना चाहोगे चोई साहब, और किस तरह का ये बच्चा था? दीप था जी, और मैं तो समाज से ये कहना चाहूंगा जी, उसका साथ दें, उसके परिवार की सांत्वना दें, और जो उसकी मदद होगा उसकी मदद करी जाए। एक और बात सुनने में आई कि परिवार ने शायद अभी तक पक्का तो नहीं कह सकते, लेकिन ये खिलाड़ी भी था अच्छा। हाँ, अच्छा खिलाड़ी था जी। अच्छा, आपका शुभ नाम जी? परमजीत है जी। आप कहाँ से? हैबतपुर से। नमस्कार ताऊ जी, बोल दिया एक दो चीज ला। क्या लगो ताऊ जी आप उनके बच्चे के? ताऊ लगो आप? के कहना चाहोगे जी इस दुख की घड़ी में? परमात्मा की सेवा करो। हाँ जी, डॉक्टर की सेवा करो। अच्छा अच्छा, कितने दिनों के ताऊ गए हुए बच्चे ना? बच्चे ना साल भी नहीं है। साल भी नहीं है। और ना उसके माँ बाप दोनों गुजरे हुए हैं? 3 छोटे छोटे बच्चे, 2 बच्चे छोटे, 2 छोटे 1 छोटे 1 छोटा 2 छोटे। तो आप समाज से कहोगे जो भी भाई मारे बतेरे बाहर रहा गांव के भी है, भाईचारा भी है, इन बच्चों का भविष्य सुधर जाए, थोड़ा मदद हो जाए, कहना चाहोगे ये बात? ठीक है। हाँ जी, कौन सा जी? ये पढ़े जो कौन सा? लो जी ताऊ जी, के ताऊ जी इस दुख की घड़ी में के कहना चाहोगे? कोई बात नहीं, जो भी बात है। करम सिंह। अच्छा, जो ये विपदा ही है के कहना चाहोगे इसमें? मतलब ये जो परिवार है किस तरह से इसकी वो होगी, किस तरह से ये परिवार बोलेंगे? कोई बात, ताऊ बोलेगा, अंदर ले जाएगा। वो कहाँ गए भाई? उधर है। तो दोस्तों, दुख की घड़ी है और आप सब समझते हैं इस कि क्या सिचुएशन है। मैं कोशिश करता हूँ आपसे कि उसकी जो सिस्टर हैं, बहनें हैं, उनसे आपसे बात करवाई जाए। और दोस्तों, ये बात करवाने का जो थोड़ी थोड़ी मदद आप सब लोग करें दोस्तों, क्योंकि ऐसी चीजें सुन के ना कहीं दिल हमारा भी खराब होता है। और ये हर रोज एक सिस्टम बन गया, इसमें भी सुधार लाने की जरूरत है। देखिए कौन है भाई, आप चलो जाके। हाँ, अच्छा कोई बात नहीं बहन जी, बैठ जाओ अंदर ही, बैठ बैठ जाओ अंदर। नहीं जी, वो ले आया होगा ना ठाके, वो मेरे ध्यान नहीं रहा। दोस्तों, मैं अभी उनके घर हूँ और उनकी जो वाइफ है और जो सिस्टर हैं, तो
उनसे आपकी बात कर। हाँ जी तीन बने कोई बात नहीं कुछ नहीं मारा तो साथ में जमी जाग तक जोड़ी आएगी और जो भाई कृपया करो इनके लिए कुछ तो करो। दो रोटी खा लेंगे इनका नहीं कुछ नहीं नहीं अनपढ़ नहीं रहेंगे बच्चे इनका तो कुछ भी नहीं कर्जा चढ़ाया जा रहे हो तो कुछ तो जमीन है वह भी बेच कर जा रहा और उधर किसी रिश्तेदार का देना किसी भाईचारे का देना अरे इस बूब तो कुछ भी नहीं पीछा भाई नहीं बाप नहीं कौन है इसका कोई नहीं अगर देख लो आप कैसे है इसका सास ससुर इसका नहीं कोई नहीं इसका तो मैंने लोगों जिस पर करीब पे इसका करो कुछ इसके बच्चों का इसका करो तो यही दुआ देवा भाई आस जुड़वा लो कोई पैर पकड़वा लो इन बच्चों के लिए कुछ करो। कितने दिन गया था बहन पहले मेरे भाई ने तो साल हो गया डोंकी में गया था मेरे भाई तो काम कर रहा था वहाँ काम तीन महीने कुछ लोकेशन लग गई फिर सोचे था भाई कोई लाइसेंस बनवा लू फिर न्यू कौन मेरा था भाई लाइसेंस बनेगा मारा मारा तो एक भाई था मारा नहीं कुछ भी था एकदम देख लियो बड़े छोटे कोई नहीं इस भूकाल करो बच्चों का करो हम तो यही जोड़ का प्रार्थना करो भाई। आप कौन से काम बिहार मैं तो खेड़ी बिहार की ना मेरे दो बाण बनना आप कहना चाहोगे ये बोल इन सब ये शब्द ना मैं नरी कद बेर लगे आपने कल की पागल हुई फिरा रात नहीं सोन दी दिन नहीं सोन दी कदी नहीं लत्ते ठठा फिरा जमी बाल पड़ा बैद रख रहे हम तो ना इसे कुछ तो करो कुछ बच्चा ना बनेगा या माँ बैठी इसकी माँ बैठे भी कोई नहीं मेरी बच्ची की कुछ मदद करो जिस बड़ा इसी करो हाथ जोड़ी खड़ी मेरा मेरा बेटे ना मेरा खसम कुछ नहीं मेरे पास चार बच्ची है ले कौन सा काम माता जी मुंदड़ी मुंदड़ी हाँ मेरा कुछ नहीं दुनिया में कोई बात नहीं इन जमाइया के कारण फिर होती कोई नहीं जो भगवान मेरा छोटा सा दो ताल छोटी सी छोरी आठ साल की छोरी कुछ भी नहीं पता छोरा क्या साल का जी 6 साल का छोरा आठ की छोरी था एक में तो मैं लेरी पढ़ा इतना भी नहीं इसका तो इतनी कर्जे में बाल बाल एक महीना माँ बेटा ने मैं ठा कर ले जरी और छोरी ने मेरी समेटी ले जरी कुछ नहीं उसके पल्ला कुछ नहीं क्या साल हो गए ब्याह ना कल 10 साल हो गए ब्याह हो न कोई बात नहीं सब ठीक हो जाएगा। मेन्यू कौन था जी पता क्या है देखो जो उन्हें ना मंजूर था तो लिया उन्हें तो देखो रोक नहीं सकता ये वो माटी है नी तो न्यू ना करियो भाई उन्हें उरा लिया उसका उसका वही जो मतलब वो माटी ने जितनी जल्दी कर लेना कोई नहीं वो करेंगे वो जिम्मेवारी हमारी उसकी चिंता ना करो सारा कर्जा आपका सारा वो हमारे जिम्मेवारी हम करेंगे वो कोई बात नहीं कुछ नहीं है कोई नहीं हौसला रखो कोई नहीं कोई बात नहीं आप ही बता चल रहा है ना कोई हाथ में लेकर बोल दे जो तो जोड़ देगा अरे मेरे वीरा अरे तो क्यों कर बग गया रे तेरे आने आने जाकर जो कुछ था माना सब कुछ बेचे कुछ फिर तो माना रे मरी का बेचा रे बीरा ये जाकत क्या के सारा पड़ेंगे रे अरे इनका भी देखिए अरे शौकीन का नहीं देख ले रे
मोड़ी।